ये क्या बच्ची है क्या बच्चा है? ये बच्ची है। बच्ची है जी। तो ये कितनी उम्र है अभी इसकी? 16 महीने की बच्ची है। कितने महीने की? 16 महीने की। अच्छा 16 महीने की जी। तो ये कौन सी ब्रीड में है? ये मारवाड़ी ब्रीड ही है। अच्छा मारवाड़ी में ही है। और कलर कौन सा है इसका? इसको भंवर कलर कहते हैं। इसको भंवर कलर जी। तो जैसे कैसे पता लगता है कि भंवर कलर है ये? जैसे इसको थोड़ा सा ब्राउन और ब्लैक जो मिक्स होता है ना। अच्छा ब्राउन और ब्लैक, जैसे कि हल्का हल्का ये मिक्स है यानी कि ब्लैक है, तो वो भंवर होता है। ओके ओके। तो जैसे कि जो ये बच्चे जो होते हैं, जैसे कि पैदा हो जाते हैं जी, तो उसके बाद में कैसे देख रेख करते हो आप यानी कि? 6 महीने तक तो इनका माँ का दूध पिलाना है ही है मिनिमम तो। अच्छा 6 महीने तक माँ का दूध पिलाओ पिलाओ मिनिमम तो है ही। अच्छा अच्छा। तो ऊपर पिला तो कोई दिक्कत नहीं है वो तो। ओके और बेटर है उसके लिए तो। अच्छा तो बहुत सारे लोग जैसे कि 3-4 महीने पिला के ही छोड़ देते हैं, वो गलत है। गलत है ना? यानी कि जो प्रॉपर यानी कि ग्रोथ में रुक जाता है। रुक जाता है और बच्चा हल्का सा कमजोर भी पैदा होगा है ना, क्योंकि जब प्रॉपर अगर दूध पिलाया जाएगा तो वो प्रॉपर बच्चा वो रहेगा। तो जैसे कि ये बच्चों के जो लगाम वगैरह लगाते हो आप, या फिर ये जो क्या बोलते हैं इसको, ये जो रस्सी वगैरह बांधते हो गले में जी, तो ये कितने उम्र पे क्या बांधी जाती है यानी कि? रस्सी तो ऐसा इनका है 6 महीने बाद जैसे माँ से अलग करने के बाद इनको थोड़ा हल्का हल्का रस्सी से आदत में डालने हैबिट में डालनी पड़ती है। अच्छा हैबिट में डालनी पड़ती है। वो तो कमज़ोर रस्सी से करना चाहता है कि तो ऐसा भी रहता है जैसे आप पहली बार रस्सी से बांधते हो तो वो बच्चा या बच्ची उसको तोड़ने की कोशिश करती हो कि मेरे को खान जंजीरों में बांध दिया है? वही मैं बोल रहा हूँ, अगर 6 महीने बाद आदत में हैबिट में डालनी है तो बिल्कुल कमज़ोर रस्सी होती ना, हाँ से उसको हैबिट में डालो। अच्छा फंस भी जाए तो जल्दी तोड़ दे वो। अच्छा तो जैसे कि आप जैसे गले में रस्सी डाल देते हो जी, तो उनके भी बच्चों के भी पैर तुरंत बांध देते हो क्या? पैर हम बांधते हैं कम से कम 20 से 18 महीने के अंदर। 20 से 18 महीने के अंदर अंदर। ओके तो जैसे कि इसकी बाप और माँ के बारे में बताएंगे? इसका ये दिलशान की बच्ची है, आलिशान के बेटे की बेटी। अच्छा आलिशान के बेटे की बेटी है जी। ओके तो क्या नाम रख रखा है इसका भी? इसका नाम सना है। सना जी। ओके तो सना ने आज बहुत दौड़ लगाई है मैदान में है। बिल्कुल गर्मी भी बहुत है यहाँ पर, है ना? गर्मी बहुत है। और जैसे कि वो दो बच्चे हैं जो जी, वो दोनों बच्चे अपने गेट के अंदर के हैं, आलिशान के बेटे के बेटे। अच्छा आलिशान के बेटे के बेटे, दोनों ही वही हैं? जी अपलग बच्चा है। अच्छा थोड़ा सा आगे लिया इसको, अपलग का बच्चा है। अच्छा अच्छा जो ये वाली है बच्ची है। अबलग कौन सा है, उधर वाला? अबलग इसके माँ तो है अपने उदयपुर पैलेस रैंक की है। अच्छा अच्छा। और फादर ग्रेट गैम्बलर। ओके तो इस वाले बच्चे का क्या कलर है ये? यही भंवर कलर ही है। भंवर कलर है जी। ओके बच्ची है ये। बच्ची है। और ये वाला बच्चा है? तो इसका जो कलर है ये अबलग में है क्या? जी अबलग कलर। तो अबलग कलर की डिमांड रहती है मार्केट में? जी बिल्कुल रहती है। रहती है। तो इसके जैसे माँ बाप का नाम क्या है अबलग के का? इसका फादर का नाम गेट के अंदर जो आलिशान लाइन पे है। अच्छा अच्छा। और मदर है जो रोजी नाम है। रोजी रोजी। ओके जो वो उदयपुर पैलेस लाइन की है। अच्छा और इस वाला? इसके मदर अननोन है, फादर ग्रेट गैम्बलरी है। ग्रेट गैम्बलरी है। ओके तो अभी जैसे कि ये घोड़ा है जो अभी जिंदा है क्या? या जी बिल्कुल जिंदा है। जिंदा है जी। किस जगह पे अभी है? ये हमारे पास ही में है खेमपुर। अच्छा ये उदयपुर में पड़ता है क्या? ये हेमंत जी के, हेमंत जी है। अच्छा अच्छा। ओके तो जैसे जितना बड़े घोड़े में फुर्ती होती है उतने क्या छोटे बच्चे में भी फुर्ती रहती है क्या? फुर्ती रहती है इनमें, इसलिए एक्टिव रहते हैं बिल्कुल। अच्छा बिल्कुल एक्टिव रहते हैं। तो जैसे कि मारवाड़ी नस्ल के अंदर ही एक्टिवनेस रहती है या फिर बच्चों की हर नस्ल के अंदर घोड़ों की एक्टिव रहते ही रहते हैं यानी कि? ओके तो जैसे बच्चों को खाने पीने में क्या देते हो यानी कि? जो अभी तो फिलहाल इनको दूध और नॉर्मल जो डाइट देते हैं बड़ों घोड़ों को उसके आधी देती है। अच्छा आधी देते हैं। ओके तो जैसे कि बच्चों की जो डाइट रहती है जी, और जो यानी कि जो चारा वारा खाते हैं जैसे, तो वो कितने एज में देना चालू कर देते हो यानी कि? महीने भर बाद से या कब से यानी कि? इनको हम देते हैं कम से कम 15 महीने के तक हम स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा 15 महीने के बाद में स्टार्ट कर देते हो यानी कि? तो जैसे गाय का दूध भी दिया जाता है मैंने ये सुना है बच्चों को? हाँ गाय का दूध भी दिया जाता है ना जी। तो गाय का दूध कितने दिन तक पिलाना चाहिए और गाय के दूध से क्या फर्क पड़ता है यानी कि? गाय का दूध तो इसका 2 साल तक पिलाना चाहिए। अच्छा गाय का दूध 2 साल तक पिलाना चाहिए। ग्रोथ में इनके बॉडी स्ट्रक्चर में बहुत फर्क पड़ता है वो। अच्छा गाय के दूध से जी।
ओके, तो गाय के दूध की जगह भैंस का दूध नहीं पिला सकते क्या? नहीं, वो उनके लिए बहुत भारी पड़ता है दूध। अच्छा, बहुत भारी रहता है। ओके, फैट ज्यादा होता है। अच्छा, फैट ज्यादा रहता है और गाय के दूध में फैट कम रहता है। ओके ओके, तो जैसे कि ये अबलक वाले की क्या उम्र है अभी? अभी ये 7 मंथ का है। 7 मंथ का है। और इधर वाला? ये बच्ची 8 मंथ की है। 8 मंथ की है। ओके, और ये कितने मंथ का बताया आपने बच्ची वाली? ये 16 महीने की। 16 महीने की है। तो अपने पास सेल के लिए तो कोई नहीं है अभी, या है कोई? सेल में नहीं है। ओके,